सीएम ने वेंकटेश लोक का किया लोकार्पण। फसल बीमा के 30 लाख किसानों के खाते में ट्रांसफर किए। बोले मामा को आशीर्वाद दीजिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज सतना पहुंचे, जहां उन्होंने वेंकटेश लोक का लोकार्पण किया। इसके बाद सभा स्थल पर पहुंचे मुख्यमंत्री ने महिलाओं पर पुष्प वर्षा करने के बाद कन्या पूजन किया। उन्होंने फसल बीमा के 30 लाख किसानों को 1058 करोड़ और 72 लाख किसानों को सीएम किसान निधि के 1561 करोड़ रुपयों का अंतरण सिंगल क्लिक से किया। इसके साथ ही 4,30,000 पट्टों का वितरण किया। मैं जिला मां शारदा को समर्पित कर रहा हूं। किसान सभा को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि पीएम जबलपुर आ रहे हैं, मुझे जाना है, यहीं से मैं जिला भी मां शारदा को समर्पित कर रहा हूं। जैसा विकास भाजपा ने मध्य प्रदेश का किया है, वैसा कभी कांग्रेस ने नहीं किया। मैं दिन भर लोकार्पण शिलान्यास कर रहा हूं। विकास की गंगा बह रही है। कमलनाथ सीएम थे, हर वक्त रोते रहते थे, कहते थे पैसा नहीं है। ऐसे आदमी को सीएम बनाना चाहिए क्या? विकास के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि हम दौरी सागर बांध, नहरें, सड़कें, स्कूल सब बना रहे हैं। 157 करोड़ 84 लाख का लोकार्पण और 959 करोड़ का शिलान्यास आज हो रहा है। अभी मां शारदा लोक भी बनेगा। याद करो, जब कांग्रेस की सरकार थी तो सिंचाई की क्या व्यवस्था थी? तब 7.5 लाख हेक्टेयर की व्यवस्था थी। आज 47 लाख हेक्टेयर का इंतजाम है। आने वाले समय में 1 लाख हेक्टेयर की व्यवस्था करेंगे। नहर ही नहीं, पाइपलाइन से पानी की सप्लाई देंगे। पहले 100 MT अनाज होता था, आज 700 लाख पैदा होता है। पहले 18% पर कर्ज मिलता था, आज 0% में मिल रहा है। इन 3 सालों में 2,84,000 करोड़ किसानों के खाते में डाले हैं। किसानों को फसल बीमा योजना की राशि हस्तांतरण। सीएम बोले, अकेले फसल बीमा योजना में 20,000 करोड़ किसानों को दिए। हर फसल का उत्पादन बढ़ा है। हमें 7 बार कृषि कर्मण अवार्ड मिला है। सीएम ने किसान निधि शुरू की तो हमने भी उसमें योगदान दिया। अब 6,000 पीएम के और 6,000 सीएम के आएंगे। क्या कभी कांग्रेस ने दिया था? लाडली बहना में भी दे रहे हैं। ये भाजपा की सरकार है, कोई कसर नहीं छोड़ती। हमने सब कुछ देने की कोशिश की। अब हम अनुदान पर ट्रांसफर लगाने की योजना फिर शुरू कर रहे हैं। अब किसानों को खाद की भी कोई कमी नहीं रहेगी। कांग्रेस ने कर्ज माफ करने को कहा, लेकिन क्या किया? हमने 2200 करोड़ का ब्याज भी चुकाया। बारिश के गैप के कारण अगर किसानों की फसल का नुकसान भी हुआ होगा तो उसकी भरपाई होगी। सर्वे के निर्देश हमने दे दिए हैं। सीएम शिवराज ने आगे कहा कि राहत राशि भी देंगे और फसल बीमा का पैसा भी दिलाएंगे। आज 30 लाख किसानों को फसल बीमा योजना और 2 लाख किसानों को सम्मान निधि की रकम डाली जाएगी। किसान भाइयों से भाजपा मोदी के साथ चलने का आह्वान करते हुए कहा कि उनका साथ दीजिए, जिसने किसानों की आमदनी बढ़ाने का प्रयास किया। जिनके पास जमीन नहीं, उन्हें फ्री में जमीन देंगे। आज बहनों के खाते में पैसा जा रहा है। जिनके पास जमीन नहीं, उन्हें फ्री में जमीन देंगे, मालिक बनाएंगे। कोई भी भूमिहीन नहीं रहेगा। आज 5 लाख पट्टे हम यहां से बांट रहे हैं। मध्य प्रदेश की धरती पर कोई गरीब भूमिहीन नहीं रहेगा। पीएम आवास में वंचित रह गए लोगों के लिए सीएम आवास योजना शुरू की। सतना में 80,000 आवेदन भर दिए गए हैं। आवास के लिए हम पैसा देंगे। सीएम बोले, पीएम मोदी और मामा को आशीर्वाद दीजिए। सीएम शिवराज ने कहा कि माताएं बहनें हैंडपंप से पानी भरने जाती थीं, इसलिए नल जल योजना शुरू की। कौन सा ऐसा पक्ष है जिसमें भाजपा सरकार ने काम न किया हो? मेधावियों को लैपटॉप स्कूटी दिलाई। किसानों से कहा कि मैं वचन देता हूं कि आप किसानों ने फसल का उत्पादन 700% बढ़ाया है। हमने खेती से आमदनी दोगुनी की है। जो काम करे उसका साथ देना चाहिए। आप सब पीएम मोदी, भाजपा और मामा को आशीर्वाद दीजिए। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।